Good morning everyone. In today's class we are going to start our chapter Work We Do. As you all know, in previous class we have discussed about the work, types of work, type of work our father does, different type of activities or work done by people and need of work. In today's class we will discuss about household work. Before starting this topic, you have to know the meaning of word household work. The work that is done to keep our house clean and run properly are called household work. इस चैप्टर को, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हाउसहोल्ड वर्क किसे बोलते हैं। हाउसहोल्ड वर्क का मतलब है वो वर्क यानी वो एक्टिविटीज़ जो हमारे घर में हम लोग करते हैं अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए और अपने घर को अच्छे से मेंटेन रखने के लिए। इसमें जो एक्टिविटीज़ आती हैं वो आती है क्लीनिंग, कुकिंग, स्वीपिंग, वॉशिंग, डस्टिंग। ये सभी एक्टिविटीज़ इसमें आती हैं और ये सभी एक्टिविटीज़ जो हैं वो हाउस होल्ड वर्क कहलाती हैं। आपको पता होगा कि आपकी मम्मी भी ज़्यादातर यही वर्क करती हैं। ये जो वर्क होते हैं, ये जो हाउस होल्ड वर्क होते हैं, ज़्यादातर हमारे घरों में वुमेंस करती हैं। आपने देखा होगा आपकी मम्मी करती है, आपकी दादी करती है, आपकी सिस्टर्स करती हैं। लेकिन अगर आज के टाइम पर हम देखें तो बॉयज़ भी क्या कर रहे हैं, यानी कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, फादर जो हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, हमारी मदर की हेल्प करते हैं ना इन हाउस होल्ड वर्क को करने में। ठीक है, ये जो वर्क है, इन हाउस होल्ड वर्क का एक नाम और है, उनको क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक वर्क भी बोला जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी दी गई है एक गर्ल के बारे में जिसका नाम दीपाली है। इस चैप्टर में हम दो स्टोरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है दीपाली की स्टोरी एंड सेकेंड है शर्मा की ग्रैंड मदर की स्टोरी के बारे में। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं दीपाली की स्टोरी के बारे में। दीपाली जो है वो अपनी फैमिली में अब सबसे बड़ी बेटी है। ठीक है, उसके फादर जो हैं वो वेजिटेबल्स बेचते थे और वो रोज़ सुबह मंडी के लिए जल्दी चले जाया करते थे। उसकी जो मदर है वो भी क्या करती थी, वो एक डोमेस्टिक वर्कर है, वो लोगों के घरों में काम करती थी। ठीक है, तो वो भी रोज़ सुबह क्या करती थी, अपनी जॉब पर चली जाया करती थी। दीपाली जो है वो अपने भाई बहनों को घर में देखती है, उनका ख्याल रखती है, उनके लिए खाना बनाती है और साथ ही साथ क्या करती है, उनको स्कूल छोड़ने और लेने भी जाती है। दीपाली जो है उसने हाउस होल्ड वर्क के लिए अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया। 3 ईयर्स पहले जब उसका छोटा भाई का जन्म हुआ था तो उसने अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया और फिर वो घर का काम करने लगी। अभी भी वो दीपाली पूरा जब काम निपटा लेती है, अपने भाई बहनों को स्कूल से ले आती है और उन्हें खाना खिला देती है, उसके बाद वो शाम को थोड़ी देर खेलती है और रात को अपनी जो बहन है उसकी बुक्स को पढ़ती है। यहाँ पे बेटा आपने इस स्टोरी में देखा कि कैसे एक लड़की, एक गर्ल ने पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से, ठीक है, और घर का काम करने की वजह से क्या कर दिया, अपनी पढ़ाई को सैक्रिफाइस कर दी, यानी कि छोड़ दिया। नेक्स्ट अब हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो है शर्मा के बारे में, यानी कि शर्मा की जो ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में। आपने देखा होगा कि हम अपने घरों में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछते हैं कि दादी क्या आपने भी हम अपने टाइम पे अपने जो आपने कौन कौन से एक्टिविटीज़ किए, क्या क्या काम किए। आप देखते होंगे आज के टाइम पे हम क्या करते हैं, हम तो अपना एक पानी का ग्लास भी क्या नहीं करते, साइड में रखते हैं। जब मम्मी ज़्यादा ही बोलती है तब हम उसको क्या करते हैं, उठा के रखते हैं। तो ऐसे ही जो शर्मा है वो अपनी ग्रैंड मदर यानी नानी से पूछ रही है कि नानी आप जब छोटे थे तो आप क्या क्या काम करते थे। तो उसकी नानी उसे बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मैं क्या करती थी, अपने जो बड़े बूढ़े थे यानी अपनी मम्मी हो गई, पापा हो गए, दादा दादी हो गई, नाना नानी हो गई, चाचा चाची हो गई, अपने से जो बड़े सभी लोग थे उनकी हेल्प किया करती थी। उस टाइम पे स्टोव वगैरह नहीं होते थे तो मैं क्या करती थी, अपनी दादी नानी के संग या फिर मम्मी के संग क्या करती थी, वुड को कलेक्ट करती थी। ठीक है, काऊ का जो डंग होता है उसके केक्स बनाती थी और जो प्लास्टर वॉल्स को प्लास्टर करती थी यानी वॉल्स पे क्या करती थी, लीपती थी। हमारे टाइम पे ऐसे ही वर्क होते क्योंकि उस टाइम पे सीमेंट यूज़ नहीं होता था। ठीक है, और क्या होता था, गोबर गैस का यूज़ नहीं होता था, साथ ही साथ उसके साथ स्टोव भी नहीं था। तो मैं अपनी जो पेरेंट्स हैं उनकी इन कामों में हेल्प किया करती थी। और आज जैसे तुम्हें पता है कि हमारे पास क्या है, सभी फैसिलिटीज़ हैं, तो तुम्हारे टाइम में और हमारे टाइम पर ये फ़र्क आ गया है और साथ ही साथ तुम्हें इन जैसे कामों को करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपना काम क्या कर सकते हैं, आजकल हमारे पास क्या है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है जिससे हम अपना काम क्या कर सकते हैं।
ठीक है बेटा। तो इस चैप्टर में आपने देखा कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। इस चैप्टर में हमने जो मेन मेन चीज़ें डिस्कस करी वो हमने क्या क्या डिस्कस करा, वो वर्क डिस्कस करी जो हमारे क्या करते हैं, हमारे फादर करते हैं, हमारी मदर करती हैं, साथ ही साथ जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने किए होंगे। इन चैप्टर में हमने उन सभी वर्क के बारे में डिस्कस किया। ओके बेटा, तो आपने जैसे कि स्टोरी में पहले जो फर्स्ट स्टोरी थी आपने उसमें देखा कि किस तरीके से यहाँ पे क्या कर रहे थे, अलग अलग एक्टिविटीज़ की जा रही थी मनी को अर्न करने के लिए। फिर आपने उसके हाउस होल्ड वर्क के बारे में डिस्कस करा कि हाउस होल्ड वर्क में क्या होता है, सिर्फ हम अपने घरों का काम करते हैं, उसमें हमको क्या नहीं मिलता, कोई मनी नहीं मिलती है। ये काम हम सिर्फ अपने घरों को साफ रखने के लिए करते हैं, ठीक है। और थर्ड स्टोरी में हमने क्या देखा कि हम अपने घर में अपने ग्रैंड पेरेंट्स की हेल्प भी करनी चाहिए, ठीक है बेटा, और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स की भी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनके संग काम को कराने में। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन, बाय।